फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसा हो सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम अभी हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम जा रहे हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ देखने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि क्या वे है वहाँ जाने का, कैसा है, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है। मैं कुछ परेशान हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने सोचा एक जो ईजी वे है और जो काफ़ी लाइटली पेड है वो कौन सा है, तो मैंने सोचा वो आपको मैं बता दूं और दिखा दूं। तो इसलिए मैंने वीडियो यहाँ से स्टार्ट किया है। और ये है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। और अभी हम हैं कुतुब मीनार, सामने है, उधर दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ वगैरह है, ठीक है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट मेट्रो है अभी। और आपको बताना था कि मैं एक बात और आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि कुतुब मीनार एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से ट्रेन बन के चलती है। हाँ, मतलब मेट्रो एक नई बन के चलती है, वो चांदनी चौक से इधर आती है और यहाँ से खाली जाती है वापस। तो अगर आप आते हो कभी, काफ़ी तक भीड़ होती है, रस होता है, क्राउड होता है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप एक या दो ट्रेन जो आएगी, दूसरी ट्रेन आती है वो बन के आती है, ठीक है। और जो ये ट्रेन आती है इधर हुडा सिटी सेंटर से, ये पूरी भरी आती है, और जो उधर से आएगी वो पूरी खाली आएगी और वो यहीं से वापस आती है। तो उसी का वेट करते हैं और दिखाएँगे आपको कैसा क्या माहौल रहता है। तो बने रहो हमारे साथ और चलते हैं आपको लेकर इंडिया गेट। तो फाइनली ये रही, ये उधर वाले रूट से इधर आती है और ये अब यहाँ से वापस जाएगी, ठीक है। अभी ये यहाँ से वापस जाएगी और अंदर पूरी खाली है। तो मस्त चीज़ है भीड़ू। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो वो क्या करते हैं कि वो बैठे रहते हैं और वापस चल लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता होता है तो वो उतर जाता है। तो फाइनली ये पूरी खाली होने वाली है और अभी हम अंदर जाके चिल मारेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। और हमें जाना है यहाँ से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो सीधा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसवां मेट्रो स्टेशन है, तो वहीं पे जाके आपसे मिलता है। फाइनली बिल्कुल खाली है अभी, बहुत से लोगों को नहीं पता होता तो वो वापस आ जाते हैं। और अभी यहाँ से उतर के इनको चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं बैठ जाता हूँ वरना फिर कोई बैठ जाएगा, फिर पंगे हो जाएंगे। तो अभी इधर लेडीज सीट है, उमंग इधर आ जा, इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं। और ये बिल्कुल खाली, और यहाँ से लोग फिर से बैठेंगे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, अभी जस्ट उतरे हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो वहाँ पे जाके आपको बताते हैं कि क्या माहौल है, क्या नहीं है, कैसा, मतलब किस गेट से निकलना है। तो फाइनली जब आप ऊपर आते हैं तो ये राजपथ जाने के लिए रास्ता यहाँ पे है, दिख रहा होगा एग्जिट। और ये इधर आप देख रहे हैं ना, ये निकास है 1 2 5 गेट नंबर की तरफ, जो संसद भवन की तरफ ओपन होता है। तो अभी हमें जाना है राजपथ की तरफ, तो हम निकलते हैं। ये राजनाहर सिंह वल्लभगढ़ की ओर जो मेट्रो जाती है उधर का है, हमें राजपथ की ओर चलना है। तो राजपथ ये रहा, हमें इधर से निकलना होगा। तो जो राजपथ का गेट नंबर है वो 3 और 4 है, तो हमें उधर से निकलना होगा। और ये रहा इधर निकास 4 नंबर का। तो आप इधर जब आते हो तो यहाँ से आप निकल सकते हो, ठीक है। ये रहा गेट नंबर 3 और 4 का निकास, तो यहाँ से हम निकलते हैं। फाइनली ये रहा, और यहाँ पे इसे ऐसे टच करना है और बाहर आना है, ठीक है। और फिर कार्ड लेना है और इन्हें पॉकेट में रखना है, ठीक है। और ये रहा इधर, ये रहा बस स्टॉप निकास रेल भवन, राजपथ की तरफ गेट नंबर 3 और 4 जाता है। तो एक बार ये देख लेना, ये रहा इधर आओगे तो इधर ऊपर जाना होगा आपको, गेट नंबर 4। और ये रहा बस स्टॉप और राजपथ। और सुविधा, तो सुविधा का उपयोग तो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ के, मतलब व्यूज़ क्या, कुछ प्यारा सा बना रखा है वेदर। हम जब भी निकलते हैं बाहर तो वेदर ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वेदर काफ़ी प्यारा रहता है। और फाइनली हम बाहर आ चुके हैं, तो गेट नंबर 4 पे आपको निकलना है। मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा गेट नंबर 4,
केंद्रीय सचिवालय का सेंट्रल सेक्रेटरिएट का, और हम आ चुके हैं बाहर। अभी चलते हैं आपको वहाँ पे लेकर राजपथ की तरफ। ये सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने ही बना रखा है, मतलब यहाँ से जैसे आप निकलते हो ना तो बिल्कुल सामने ये रहा। ये फाइनली इधर का व्यू आप देख लो, इधर ही बना रखा है, काफ़ी प्यारा बनाया है। मतलब पहले तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी जो बनाया काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। तो फाइनली हम चलते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यू, यहाँ के नज़ारे। तो फाइनली आपने देखा कि कितना इजी वे था वहाँ से आने का, तो मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से रास्ता समझ में आ गया होगा। कभी अगर आप आएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और काफ़ी इजी वे में यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी आसानी से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये मेट्रो है पीछे आप देख सकते हो, और ये यहाँ से ये कुछ अराउंड 100 to 200 meters होगा, 100 meters 200 meters होगा, यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो। और ये पीछे आपको दिख रहा होगा, सही पकड़े हैं। तो काफ़ी प्यारे व्यू हैं यहाँ के, और काफ़ी अच्छा मतलब जो वेदर भी है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी जो पूरा कर्तव्य पथ का एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वे दिखाना था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के साथ, तो इन्जॉय करो। और ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।